नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी ने प्रदेश की राजनीति के पुराने सभी समीकरण ध्वस्त करते हुए इतिहास रच दिया है। प्रचंड जीत के साथ योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी दोबारा सूबे में सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में भाजपा खेमे में जश्न का माहौल है। वही इस ऐतिहासिक जीत में योगी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। देश के सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों के चुनावी परिणाम सामने आ चुके हैं और पिछली बार के प्रदर्शन की तरह इस बार भी भाजपा ने चार राज्यों में अपना परचम लहरा दिया है। और इस परचम के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा का सेमी फाइनल कहे जाने वाले इस चुनाव में भाजपा ने सफल प्रदर्शन कर 2024 के आम चुनाव के लिए अपनी तैयारियां भी पुख्ता कर ली है। अब हम बात कर लें इन पांच राज्यों में हुए चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश में बीते चुनाव यानी 2017 में हुए चुनाव की तरह ही 2022 में भी काफी दिलचस्प भरा माहौल देखने को मिला, क्योंकि इस चुनाव में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की साख भी दांव पर लगी हुई थी, क्योंकि केंद्र की चाबी उत्तर प्रदेश के रास्ते से होकर जाती है। अब अगर बात पार्टी की करें तो सपा ने पहले से की तरह ही ये चुनाव सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चेहरे पर लड़ा। यहां भारतीय जनता पार्टी ने 2017 का चुनाव बिना किसी मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में लड़ा था, पर इस बार यानी 2022 का चुनाव पूरी तरह से वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ा गया, जिसमें योगी ने साबित कर दिया क्यों जनता उन पर भरोसा करती है और क्यों भाजपा के आला कमान ने उन पर दोबारा अपना विश्वास जताया है। क्योंकि एक समय हमेशा से कहा जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है, तो अब वही नई बात चलन में आ चुकी है कि योगी ही उपयोगी है। और इन शब्दों में अब तनिक भी संदेह नहीं रह गया है, क्योंकि 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा के साथ साथ पार्टी के 5 साल के कार्यकाल से भी जुड़ा हुआ है और भाजपा ने यहां पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपने कार्यकाल और योगी आदित्यनाथ की निष्पक्ष छवि के साथ पूरी तरह से न्याय किया है। पर ये चुनाव पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दिया। कहा जा रहा था कि अगर भाजपा इस चुनाव में हारती है तो इसका पूरा ठीकरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सर पर ही फूटेगा, पर योगी आदित्यनाथ ने पूरी जीवटता के साथ इस चुनाव को लड़ा। विपक्ष कहता रहा कि ये चुनाव योगी आदित्यनाथ का आखिरी चुनाव होने वाला है और वो अपने मठ जहां वो पीठेश्वर है वहीं पर वापस चले जाएंगे, पर योगी आदित्यनाथ ने सब कयासों को दरकिनार करते हुए पूरी मजबूती के साथ अपनी पार्टी को दोबारा सत्ता में लाकर साबित कर दिया है कि ये पहाड़ी बाकुरा किसी भी रण योद्धा से कम नहीं है। ये बात जरूर है कि इस चुनाव में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भी अपनी पूरी जान लगा रखी थी, पर ये बात कोई भी नकार नहीं सकता कि ये चुनाव पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री छवि पर ही लड़ा गया था और इस चुनाव में जीत से ये बात भी पूरी तरह साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में फिर से स्वीकारा है। विपक्ष कहता है कि इनका कार्यकाल ठीक नहीं रहा, इनको जनता नहीं चुनेगी, पर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर उत्तर प्रदेश के सालों पुराने मिथक को तोड़ कर रख दिया है कि यहां कोई पार्टी लगातार दोबारा सरकार नहीं बना सकती। पर ये मिथक केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी टूटता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ आज तक कोई भी सरकार दोबारा नहीं बनी थी। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने अपना परचम एक बार फिर से उत्तराखंड में लहरा दिया। एक हफ्ते बाद रंगों का त्योहार यानी होली है, पर होली का ये त्योहार 10 मार्च से ही मनता हुआ दिखाई दे रहा है।
भाजपाई होली का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी पार्टी ने वो कर दिखाया है जो अब तक इतिहास में किसी ने भी नहीं किया था और इसका पूरा श्रेय कार्यकर्ताओं के साथ साथ सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही जाना चाहिए, जिसने विषम परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते हुए जनता जनार्दन की सेवा की। अगर इनके 5 साल के कार्यकाल की बात करें तो इनको 3 साल ही ढंग से काम करने का मौका मिला, क्योंकि इनके कार्यकाल के 2 साल तो कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गए और कोरोना काल में तो योगी आदित्यनाथ ने खुद संक्रमित होने के बावजूद आगे बढ़ते हुए जनता को इस महामारी से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। जिस कोरोना में विपक्ष और सत्ता पक्ष के तमाम नेता खुद को आइसोलेट करते हुए अपने बचाव में लगे हुए थे, वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हर मोर्चे पर खुद को जीवंत रखा, जिसका प्रमाण जनता के सामने था और इस तपस्या का पूरा सिला जनता ने दोबारा योगी आदित्यनाथ पर भरोसा करके दिखा दिया है, क्योंकि राजा वही जो जनता के दर्द को समझे। इस जीत की कल्पना तो योगी आदित्यनाथ के बिना संभव ही नहीं, तभी तो कहा जाने लगा योगी हैं उपयोगी हैं। प्राइम टीवी के लिए गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। योगी को उपयोगी बताया गया, योगी मोदी चेहरे पे एक बार फिर चुनाव लड़ा गया, भव्य जीत दर्ज की है, इतिहास रच दिया है। जिस तरह से विपक्ष के तौर पे एक कड़ी टक्कर देने वाली सपा थी तो वहीं उसके सामने बीजेपी रही। MY फैक्टर को MY फैक्टर यानी कि मोदी योगी फैक्टर से ही हराया गया है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस